जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई यूपी सरकार को फटकार। सीएम ऑफिस के कामकाज पर सवाल उठाए, कहा आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। आजीवन कारावास की सजा काट रहे दो कैदियों की रिहाई को लेकर दाखिल याचिका पर नाराजगी जताते हुए कहा, यूपी सरकार हमारे आदेशों की अवहेलना कर रही है, आचार संहिता का हवाला देते हुए छूट याचिकाओं पर निर्णय नहीं ले रही। जबकि कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि छूट पर निर्णय लेने में आचार संहिता आड़े नहीं आएगी। कोर्ट ने सीएम ऑफिस के कामकाज पर सवाल उठाए, कहा कि यूपी सरकार हमारे आदेशों का पालन क्यों नहीं कर रही, हम आपको ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट ने पूछा, सीएम ऑफिस के ऐसे अफसरों का नाम बताइए जो कोर्ट के आदेशों को नहीं मान रहे। दरअसल आजीवन कारावास की सजा काट रहे कानपुर के कुलदीप कुमार और बरेली के अशोक कुमार की शेष सजा माफी की फाइल सीएम कार्यालय में लंबित है। इसको लेकर 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने यूपी में प्रमुख सचिव कारागार राजेश कुमार सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंस में कोर्ट की पेशी में शामिल होने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि यह स्पष्ट करे कि कोर्ट के आदेश का पालन करने में वह फेल क्यों हो रहे हैं। बता दें, सोमवार को जस्टिस अभय एस ओका प्रमुख सचिव कारागार से 2-3 महीने देरी होने की वजह पूछी। कोर्ट ने कहा कि आप कैसे हर मामले में कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, हर केस में जिसमें कैदियों की रिहाई पर विचार करने के लिए कह रहे हैं, आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे। जवाब में प्रमुख सचिव कारागार ने कहा, सभी फाइलें अधिकारी के पास हैं, वह बाहर थी, इस पर कार्रवाई की जाएगी। हमने 5 अप्रैल को संबंधित मंत्री को फाइल भेजी और वहां से 11 जुलाई को सीएम और 6 अगस्त को राज्यपाल को भेजी गई।